मशहूर है आलम में सांचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से ये संसार नंगली का, जो प्रेम से झोली फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए खुला रहता है हरदम भंडार नंगली का। प्रेमियों जय सच्चिदानंद, कैसे हैं आप सब? प्रेमियों, आप संतों के मुखारविंद से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी की पावन लीलाएं नित्य प्रति सुनते रहते हैं। आज जो लीला मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो लीला दिल्ली की है। दिल्ली में एक गवाह परिवार है जिनके बेटे की शादी पंजाब की लड़की से हुई। जो पंजाब की बेटी थी वो श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करती थी, वो नामलेवा थी। और यहाँ जब गवाह परिवार में आई तो इस परिवार में कोई भी व्यक्ति गुरु महाराज जी से प्रेम नहीं करता था। उस बेटी के बेटा हुआ तो वो गूंगा पैदा हुआ, वो बोलता नहीं था। बहुत इलाज करवाया, जब बेटा 7 साल का हो गया तो भी उसने बोलना शुरू नहीं किया। जिसने भी जहाँ बताया उस बच्चे को वहाँ लेकर के गए, लेकिन सबने मना कर दिया कि ये बच्चा कभी बोल नहीं सकता। अनेकों डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन सभी डॉक्टरों ने यही कहा ये बच्चा कभी नहीं बोल सकता है। जब हर जगह से निराश हो गए तो एक दिन जो पंजाब की बेटी इस घर में बहू बनकर आई थी, उसने कहा कि अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपने बेटे को श्री नंगली साहब ले आना चाहती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी हैं जिनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं इस बच्चे को लेकर के जब वहाँ जाऊँगी तो मेरा बच्चा ज़रूर बोलेगा। परिवार वालों ने सोचा कि हमने बहुत जगह इस बच्चे को दिखाया, हर जगह से हमें निराशा ही मिली है, चलो एक बार बहू की बात मान लेते हैं और इसे नंगली साहब भेज देते हैं। वो बहू अपने बेटे को लेकर के जब दरबार में आई, उसने गुरु महाराज से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे विश्वास की, मेरे प्रेम की और मेरे श्रद्धा की लाज रखना प्रभु, मैं आपकी नाम लेवा हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा इस दरबार से ज़रूर बोलेगा। और प्रभु मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं 11 पूर्णमासी आपके दरबार में स्नान करने आऊँगी और बच्चे को भी स्नान कराऊँगी। ऐसा संकल्प लेकर वो बहू हर पूर्णमासी पर श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में आने लगी। जब 4th पूर्णमासी आई वो बहू फिर से अपने बेटे को लेकर के गुरु महाराज जी के दर्शन करने आई। उसने स्नान किया, प्रसाद लिया, महाप्रभु जी के पावन दर्शन किए, फिर महाप्रभु जी का पावन लंगर ग्रहण किया और फिर अपने घर को वापस जाने लगी। अपने घर दिल्ली पहुंची, जैसे वो अपने घर के अंदर घुसी, अभी उसने बैग उतारा भी नहीं था, बच्चे ने पीछे से आवाज़ लगाई, मम्मा मम्मी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और इतनी बात सुनकर उस बहू का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि जो बच्चा कभी बोल नहीं सकता था, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, वो बच्चा मेरा बोल पड़ा। ससुराल वालों ने सबने उसकी बात को सुना, सबने उसकी आवाज़ सुनी, सब बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि वाकई श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा है। प्रेमियों, जिस बच्चे को सबने चैलेंज किया था कि बच्चा कभी नहीं बोल सकता, वो बच्चा नंगली दरबार जा कर के बोलने लगा। प्रेमियों, गुरु महाराज जी की कृपा हो तो गूंगा भी पंचम सुर से बोलता है और उनकी कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ों पर चढ़ जाता है। ये मेरे मालिक की कृपा है, मेरे गुरु महाराज जी की ऐसी ही कृपा होती है। जो हर जगह से निराश हो जाते हैं नंगली दरबार जा करके उन्हें सारी खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन उस स्त्री का, उस बहू का विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर मेरा बच्चा ज़रूर बोलेगा चाहे जिसने भी मना किया हो। तो प्रेमियों, अपने गुरु महाराज जी की लीलाएं चमत्कार ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये हाल की चमत्कार है। मेरे गुरु महाराज जी नित्य प्रति हर भक्त के साथ चमत्कार करते हैं, इसलिए प्रेमियों अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बढ़ाते रहना। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।